हेलो दोस्तों, मैं स्वागत है एक और टू थ्री फॉर गेम प्ले में। आज हम खेलने वाले अलग मैप, और मैं इस मैप ट्राई करता हूँ और मेरा मैप काफ़ी अच्छा जाता है और बुरा भी, तो आपको आगे दिखाता दिखी गई। तो मैं टॉपिक कहने पर डायरेक्ट प्लेयर पता नहीं कैसे गायब हो जाते और मैं भी डायरेक्ट स्पॉन हो जाता हूँ। और मैं लॉबी आने मतलब मेरे स्पॉन होने का कोशिश करता, ज़्यादा किल निकालेगी। यहाँ मैं दो किल निकालता हूँ लेकिन पीछे से कोई मार देता है। तीसरा मारने वाला था लेकिन ये पीछे से मार देता है। और मैं कोशिश करता देसी कट्टे से। यहाँ पर एक खतरनाक सिचुएशन हो जाती है तो आपको देखने में मजा आएगा। देखो दोनों एक साथ मर गए। अगर आपको चीज अच्छी लगे तो लाइक करना। और मैं फिर निकलता स्कारर के साथ और इस नीले बंदे को मारने की कोशिश करता, लेकिन मारता तो हूँ लेकिन काफी पानी गिरने के बाद बहुत तकलीफ देता है मारने को। और इसको मारने के लिए जाता हूँ लेकिन मारने पता नहीं, डायरेक्ट कवर में आकर फिर मारने की कोशिश करता हूँ। इस बार मार देता हूँ और अगली बार नीले वाले को टारगेट बनाता हूँ। यहाँ तो वे बच जाते हैं। ये भी मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था लेकिन एम वक्त मैंने इसको मार दिया। ये देखो मुझे समझ नहीं आता हरे बंदे वालों का मुझसे क्या अड़चन है, जब देखो मेरे पीछे से मार देते हैं। और यहाँ मुझे पीछे से मार पड़ता है तो कीड़ा वाला बंदा बचने की कोशिश करता है लेकिन मैं इसको बिना स्कोप के मार देता हूँ। एक बंदर जो मैंने उसको ऊपर मारा था, वो बंदर पता नहीं फिर ऊपर चढ़ता है। देखो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। देखा गाइस ये हरे बंदर से मुझे क्या प्रॉब्लम पता नहीं, जब देखो आते हैं पीछे आकर देख पीछे देखते हैं मार डालते हैं। और मैं और शिकार ढूंढता हूँ। ये देखो ये बंदर पता नहीं क्या कर रहा था ऊपर, ठीक है एम देता था, मैं ऑलमोस्ट उसको मारने वाला था पर एम वक्त नीचे गिर जाता है जिसके कारण बच जाता है। यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश करता जो नहीं दे पाता और मुझे पीछे से मार दे पड़ती है। इस कारण जब भी उस बंदर को मारने की कोशिश करता तब ना कभी कोई मुझे पीछे देखते मार जाता है। अब देखना है जो बंदर अभी भी ऊपर ही चढ़ रहा होगा, पता नहीं क्या शौक लग गया उसको। और ये कैंपर छुप रहा था मुझसे, मतलब इसको पता नहीं क्या छुप रहे थे। ये देखो घास में छुप कर बैठ रहा था कैंपिंग कर, पर मैं उसको देख कर मार डालता हूँ और नए लोग पीछे से मार डालते। और कुछ और सारे बंदे को मैं मारता हूँ घर से, ये मुझे मारने में शेम करता है तो मैं जिगल देके इसको मार देता हूँ। इसको मारने की कोशिश करता लेकिन अंदर जाया चला जाता है और मैं इसको बाहर मारने की कोशिश करता लेकिन ये बच जाता है फिर भी। अब इसको मारने वाला था कि पीछे से कोई मार डालता है। ये देखो कैंपर ये कैंप करके बैठ गया था। अब मैं कोशिश करता हूँ कट्टे से मारने की। मुझे लगा इतनी दूर लगा मुझे फायदा नहीं, चलो पास का शिकार लेते। फिर कुछ जाता है बचकर। ये बंदर को मारना मुझे काफी भारी पड़ा। ये बंदर अभी भी चढ़ा हुआ है। फिर कुछ बच जाता है। उसको बिना स्कोप मारता नहीं किसी से और मारता, तो जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो कोई ना कोई किसी से आकर ही मार रहा था। ये कैंपिंग कर कर लोगों को उड़ाता था ताकि
ताकि उसको ज़्यादा किल मिले, बन लेकिन मैंने उसको उड़ा दिया जिसके कारण उसको गुस्सा आता है और मुझे मारने के लिए तड़प उठता है, सबको छोड़कर मुझे मारने को लग जाता है। मुझे लगते थे कवर फायर लेने के लिए कवर में आ जाता हूँ और अपने आप को हिल करके फिर बढ़ जाता हूँ मारने के लिए। इसको मारने लाल और मुझे आलमोस्ट मारने वाला था लेकिन मैं उसको मार देता हूँ। मुझे समझ नहीं आता बंदर को क्या खुशी हो गई कि ऊपर ही चढ़ रहा था, शायद उसको अच्छा एंगल मिले इसके लिए। बिहार में काफ़ी जनते यही मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था लेकिन उसको हेड शॉट लेके मैं खत्म कर रहा था। आप सोच रहे थे नंबर में दिख रहा होगा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मर चुका, मतलब मरने के बाद ज़्यादा खेल लेता हूँ, इसके कारण मैं नंबर में नहीं आया था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर।